पैसे से पैसा कैसे बनाएं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए चलो सपोज करते हैं कि आपके पास पैसा है थोड़ा बहुत, मान लो आपके पास आपके 1000 रुपए भी सैलरी है, 100 रुपए होंगे, 1000 रुपए सैलरी है, 900 रुपए खर्च कर दिए होंगे, 100 रुपए होंगे, कुछ तो होगा जो भी आपके पास पॉकेट में है। ठीक है, अपन तो मिनिमम से शुरू करते हैं क्योंकि मैं जानता हूं 100 रुपए भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप मिनिमम रुपए पर भी हो तो देखो, अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, जरूरत आपकी पूरी हो चुकी है, तब उसके बाद अगर थोड़े बहुत अगर आपने सेव किए हैं तो वो सेव्ड पैसे कहां लगाएं, ये सवाल उठता है। तो सेव्ड पैसे कहां कहां लगाए जा सकते हैं, एक तो आप लगा सकते हो बिजनेस में। अब बिजनेस में थोड़े पैसों से काम ही नहीं चलता, प्रॉब्लम ये है। तो आप बिजनेस लगाओ, बिजनेस में लगाओगे, ये रिस्की बहुत ज्यादा है लेकिन इसके रिटर्न का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वो बिजनेस चल पड़ा तो इसके रिटर्न का कोई मुकाबला नहीं है। इसका मतलब बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है अगर आपको अपने आप पे यकीन है और अगर आप हाई रिस्क उठाने को तैयार हो तो। लेकिन हर किसी में ये मादा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिजनेस में समय भी बहुत लगता है, इतना सो समय हमारे पास है ही नहीं, इतना टाइम कैसे देंगे। अब दूसरी चीज पर आते हैं, इफ यू हैव मनी यू कैन इन्वेस्ट दैट मनी, आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बिजनेस तो भूल जाओ, इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ, ये हमारा टारगेट है। अब इन्वेस्टमेंट कहां कहां होती है, जरा आप समझो। इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके हैं, 1, 2, 3, 4, इसमें भी ये तो किसी काम का नहीं है क्योंकि रिटर्न से ज्यादा तो पैसा बर्बाद हो रहा है, इसमें बहुत पैसा चाहिए तो ये भी किसी काम का नहीं है। बचे 2, एक म्यूचुअल फंड जिसमें ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते लेकिन ये इसमें रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है अगर आपने ढंग से समझ के लगा लिया। तो ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर मार्केट। थोड़ा बहुत पैसा उसको कहां डालें, या तो म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में डालोगे उसके लिए आपको जिगरा चाहिए, और शेयर मार्केट मान लोगे अगर उसके लिए जिगरा चाहिए तो चलो जिगरे वाले बंदे से मिलवाता हूं, नाम है वॉरेन बफेट। दुनिया का सबसे अमीर आदमी की लिस्ट में हमेशा हर बार इस बंदे का नाम आपने सुना होगा। लोग इनसे इन्वेस्टमेंट की बारीकियां सीखते हैं। जरा शेयर मार्केट में ये जो इन्वेस्टमेंट की ये जो महारत ही है इनकी वर्थ देख लो, 10,940 करोड़ डॉलर्स, बेटा डॉलर्स लगे हुए पीछे, ध्यान रखना इतनी वर्थ है इनकी सिर्फ शेयर मार्केट में पैसा लगा के। इन्वेस्टमेंट 11 जब 11 की एज के थे तब शुरू किया था। 1965 में ये बर्कशायर हैथवे जिनकी खुद की अभी कंपनी है लेकिन 1965 में तो नहीं थी, उन्होंने उसका शेयर $15 में खरीदा था, $15 में। आज उसका शेयर $4,00,000 है, एक शेयर की कीमत $4,00,000। भाई साहब 70 से मल्टीप्लाई करो, कसम से कह रहा हूं जीरो भर जाएगी तुम्हारी कॉपी, इतने जीरो लगेंगे। इंडिया के वॉरेन बफेट, और ये कोई ऐसे नहीं था कि बहुत ही पैसे वाले परिवार से थे तब से, ऐसा कुछ नहीं है। नाम क्या है, राकेश झुंझुनवाला। नेटवर्क कितनी है, $430 करोड़ में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या किया इन्होंने, 1900 वैसे कहते हैं इन्होंने 5,000 रुपए में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू की थी लेकिन इनकी अच्छी डील बताता हूं। 1986 में ऑलमोस्ट अभी इन्होंने शुरू किया था। 1986 में उन्होंने टाटा टी के सिर्फ तीन महीने के लिए शेयर खरीदे। एक शेयर कितने में खरीदा था, ₹43 का, वही शेयर सिर्फ 3 महीने में 143 का हो गया, एक शेयर 143। तब उन्होंने कितने रुपए लगाए थे, 2.25 लाख, और वो 2.25 लाख रुपए 3 गुना हो गए थे 3 महीने के अंदर। पूरे दुनिया में घूम लो, ऐसा कोई तरीका बताओ जिसमें आपके पैसे 3 महीने में 3 गुना हो गए, कोई नहीं। एक और बड़ा गेम खेला उन्होंने, वैसे गेम बहुत सारे खेले इन्होंने। 2003 में उन्होंने टाइटन कंपनी के शेयर खरीदे, ₹3 का एक शेयर टाइटन का, वो शेयर आज ₹1,500 का हो गया। उन्होंने तब कितने खरीदे थे, 18 करोड़ के शेयर खरीदे थे, 18 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे, 3 रुपए का एक, मतलब 6 करोड़ शेयर खरीदे थे। आज उसकी कीमत लगभग 3.5 से 4,000 करोड़ रुपए हो गई है, मतलब 18 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, 21 साल में वो 18 करोड़ 4,500 करोड़ रुपए हो चुके हैं।